हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। वैसे यार आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम की एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है वीडियो कैन नॉट बी पोस्टेड, और आपके सामने भी ये वाली प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है, साथ ही मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। बट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली प्रॉब्लम आती क्यों है। दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम को अपडेट करेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम को अपडेट किया और उसके बाद मैं रील्स पोस्ट करने गया तो भाई ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने फेस करने को मुझे मिली है। अब दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि अपडेट के बाद ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं अपडेट के बाद ये वाला ग्लिच आ जाता है, बट इसे हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही नीचे की साइड में, मैं फिर से रीट्राई करता हूँ, सो अगेन मुझे वही वाली प्रॉब्लम देखने को मिल गई है। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और रील्स वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो ले लेता हूँ अपलोड करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक रील्स अपलोड की है जो कि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखना है का टाइटल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से हम शेयर कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों अगेन यही वाली प्रॉब्लम आ गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से इंस्टाग्राम को हटा देंगे। देख सकते हैं यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम को हटा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग पर आ जाना है। दोस्तों मोबाइल की सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन सर्च करना होगा, ऐप्स। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नाम से भी ये फंक्शन हो सकता है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा मैनेज ऐप्स, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, या फिर आप ऊपर की साइड में सर्च भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ओपन होके आ गया है। कुछ ऐसा फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है जान लीजिए, यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढ लेना है। जैसे कि मेरे में सबसे टॉप पर शो कर रहा है भाई, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लियर डाटा का, जी हाँ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों क्लिक करने के पहले आप एक बात सुन लीजिए, आप यहाँ से क्लियर डाटा कर देंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वहाँ से आपकी आईडी गायब हो जाएगी, मतलब वहाँ से आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। यदि आपको उसका पासवर्ड याद है तो भाई आप उसे फिर से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप उसका पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो पहले आप उसका पासवर्ड कहीं लिख के रख लीजिए और आप फिर से क्लियर डाटा करने के बाद आप वहां से लॉगिन कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और यदि ऐसा करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो भाई इस वीडियो में आके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दूसरा आइडिया बता दूंगा जिसके ज़रिए आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम वर्क ज़रूर करेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।